तो ये आमिर खान है, ये शाहरुख खान, और वो लक्की। अच्छा लक्की पे तू बैठ रहा है, लक्की जी आपको बिठाएंगे। सोनाम What's up guys, welcome back to the channel और look at this। So आज हम लोग सुबह सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट करके अभी आए कैमल राइड के ऊपर और कैमल सवारी कर रहे हैं और हम लोग उठे थे, अभी टाइम हो रहा है 11, हम लोग उठे थे 8:30-9 बजे और 2 घंटा ब्रेकफास्ट करने में फ्रेश होने में लग गए। बट द बैड थिंग इज़ कि कैमल सुबह से वेट कर रहे थे, सुबह 7 बजे 6 बजे से, तो हमें नहीं पता था, वरना हम लोग जल्दी उठते और जल्दी निकल जाते। तो अभी रोहित बैठा है बीच में लक्की के ऊपर, हिमांशु बैठा आगे शाहरुख खान जी के ऊपर, हाथ उठाते भाई। और हमारी एनआरआई मामी भी उसके आगे बैठी। जब कैमरा से ऊपर उठ रहा था ना ऊपर, तो लिटरली ये लग रहा था कि हाथ छोड़ के बैठना पॉसिबल नहीं है। और अब देख लो, थोड़ी देर बाद आदत हो जाती है। और एक चीज़ और, अगर आप स्टिफ होके बैठोगे कैमल के ऊपर तो आपको लगेगा आप गिरने वाले हो, तो मेक श्योर आप अपने हाथ जितना लूज हो सकता है उतना लूज छोड़ दो। सो नाउ लेट्स एंजॉय कैमल सफारी एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो रोहित वहां पे अपना कैमल लेके गया हुआ खेले और वो वहां जाके बैठ गया, बोल रहा मैं नहीं चल रहा, साइड से टैप कर, उठ गया। ये कहां से लाए? मेरी शक्ल देख के डर गई थी वो। ये कहां से ले आया तू? Who came here to visit us? Small kids. अच्छा अगर पपीज आपसे डर रहे ना, उनके आसपास जा रहे हो और वो आपसे डर रहे हैं, तो आपको एक फैक्ट बताता हूँ, उनका ऐसे उठाओ, उनके जो चारों पैर हैं, आगे के दोनों पैर हाथ में, पीछे के दोनों पैर हाथ में, हाथ से उनको हिप्स का सपोर्ट दो और अपने दिल से उनको ऐसे टच कर लो, ऐसे वो डरना बंद कर देगा। अभी ये रो रहा था बहुत और अब देखो कितना शांत है। और हिमांशु उसको लेने गया अभी, वो भी डर रहा था और उसको देखो कितना शांत हो गया। तो मैंने डिटेन लगा रखा तो मेरी शक्ल देख के वो ज्यादा डर रही थी। हाँ। ये लड़की है, बेबी गर्ल है। तो जैसे ये लोग आए मेरी गोदी में, मेरे को थोड़ी सी नींद आ गई और मैंने 15-20 मिनट की नाप ले ली है और मैं उठाऊ, ये देखो लिटरली ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी कहाँ है? अबे बाकी कहाँ गए? अच्छा वो रहा एक वो भाग गया बाहर, ये इसको निकाल रहे बाहर, इसको अंदर बाहर ही नहीं जाना अपने घर। ये देखो ये देखो ये देखो, ये लो कह रहा है मेरे को ब्लैंकेट में छोड़ दो तुम लोग। लो क्या, वेयर आर यू, आर यू देयर? वो देखो वो देखो वो देखो, तेरी की मैं, तेरी की मैं, ओ तेरी की बेटे। इनको इनके घर छोड़ के आते हैं महाराज जी को। वो दूसरा वाले क्या, दो ये बैठ के नीचे ही है, मैं दो एक तो निकल गया। अच्छा आजा, इनको जाना है इनके घर पे, इनको यहीं पे छोड़ देते हैं, यहाँ से भाग जाएंगे। बाय, चलो बाय बाय। सो गाइस हम लोग अभी पहुंच चुके हैं वापस से जैसलमेर
और हम लोग आए एक रेस्टोरेंट में, अभी नाम बताता हूँ आपको मैं। यहाँ पहले से पहले मैंने चाय पी थी वहाँ से निकलने से पहले, और रास्ते में मेरे को थोड़ी सी वोमिट हो गई। अति मेरे को वोमिट हुई है 6 या 7 साल बाद, लास्ट मुझे याद भी नहीं कब हुई थी। दैट वाज बिकॉज क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए। इन लोगों का इधर चल रहा है पूरा फुल ऑन अपना ऑर्डर वगैरह कस्टमाइजेशन करा रहे हैं भैया से बोल के कि ये करना वो करना ऐसे बनाना वैसे बनाना। मीडियम स्पाइसी, इसीलिए हम लोग भैया लिटरली खाना नहीं मिल रहा है ढंग का। लाल मांस में कोई दिक्कत मत करना, समझ तू खाने आया है। समझ लो तू खाने आया है, समझ लो तू ही खाएगा। यार मेरे को शौक है मतलब मच्छर मारने का ना अभी भी, मतलब जहाँ पे हमने शिफ्ट किया है ना बाकी जो वॉल्स है सीलिंग है वो वाइट है। अच्छा, तो तुम्हें उस पर लाशें मिलेंगी सारी। वाह, मैं मम्मी को बोलता हूँ, मैंने कहा तुमने उतारी नहीं मच्छरों की लाशें। मम्मी कहते रात नहीं बचते तू करेगा। मैं घर पे जाता हूँ ना मच्छर बाबल बोलना शुरू करता हूँ, आगे बोल भागो भागो चुप पर्दा को पीछे तो गाइस हम लोग टोल पे खड़े हैं अभी जयपुर से थोड़ा पहले, और यहाँ पे देख लो आप ओले पड़ रहे हैं अच्छे खासे। वाओ, मतलब राजस्थान में थोड़े टाइम में बर्फ भी पड़ सकती है। सच में भाई, हो सकता है राजस्थान में कुछ भी हो सकता है भाई। वो देख ओले बह बह के आ रहे हैं, बह रहे पानी में से बाहर। अभी हिमांशु ड्राइव कर रहा है। हाँ, हॉर्न मार ले तू। लिटरली यहाँ पे मनाली बना हुआ है, देख लो खुद। फॉग भी है और ऊपर से ओए होए पूरी रोड बर्फ ही बर्फ, एक नंबर गजब। तो गाइस हम आ रहे हैं राजस्थान से, और अभी हम एंटर कर चुके हैं हरियाणा में, और सेम पैच है, इतना ही चौड़ा पैच राजस्थान में था और सेम पैच अभी ये हरियाणा में घुसते हैं। बट राजस्थान वाले पैच में एक भी खड्डा नहीं था, और हरियाणा वाले पैच में खड्डों के अंदर रोड है। तो खट्टर सरकार क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा। गाइस वी हैव जस्ट रीच्ड गुड़गांव इन वन गो एंड फाइनली। तो अभी सब लोग अपना सामान निकाल रहे हैं, और उसके बाद हम लोग अभी जाएंगे मांशु के रूम पे, वहाँ पे मैं सामान रखूँगा सारा गाड़ी से निकाल के। और गाड़ी इतनी गंदी हो गई बारिश की वजह से और ओले की वजह से, बस पूछो मत। प्लस जो हमने रात को रोड पकड़ा था वो पूरा प्रॉपर जैसलमेर से लेके गुड़गांव तक एंटर करने तक पूरा सिंगल रोड था। काफ़ी लोगों ने बोला कि आप बीकानेर की साइड से जाओ आपको हाईवे बहुत अच्छा मिलेगा, और वही नहीं हुआ। रोड ठीक था, ओके था, बट हरियाणा एंटर करने के बाद तो मतलब टोल भी आ रहा है लेकिन रोड में इतने बड़े बड़े गड्ढे भी हैं। तो जैसे भी था ट्रिप एक नंबर था, आपने देख लिया होगा, और आई होप यू गाइस एंजॉयड ऑल द वीडियोस। अगर ऐसी आपको और वीडियोस देखने हैं ट्रिप के लंबे लंबे व्लॉग देखने हैं तो मेक श्योर यू कमेंट डाउन। और प्लीज़ अगर आपने लास्ट वीडियो पे कमेंट नहीं किया कि डब्ल्यू की बहू कौन है तो जाके बताओ, एंड यू विल गेट अ चायोस वाउचर फॉर 500 bucks। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तो सोनम यहाँ से ऑटो से जा रही है, हिमांशु उसका बैग निकाल दिया, और हिमांशु अपना बैग निकाल रहा है, बाकी सारा सामान निकालेंगे। अभी ये जो स्टोव है वो भी ठीक कराना पड़ेगा क्योंकि ख़राब हो गया।